हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश तिवारी आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या है, वचन क्या होता है? मित्रों, हिंदी भाषा वैसे हमारी मातृभाषा है, बहुत सरल है और यह हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। और दूसरे वचन, लिंग, यह सब चैप्टर जो हैं थोड़ा इजी हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको और भी सरल ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए और सामने का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा आज का चैप्टर है वचन। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन को पता हो गया, कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, कुछ भी हो, अगर वह एक है या एक से अधिक है यह हमको पता लगाना हो तो कौन बताएगा? वचन। तो आइए देखते हैं आगे वचन के भेद। वचन के भेद। वचन के हिंदी में दो भेद बताए गए हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है, पहले हम फोकस करेंगे एक वचन पे। जैसे उस नदी में बहुत जल है, उस नदी में बहुत जल है। जैसे उस नदी में बहुत जल है, एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस देखिए, भारत में बहुत सी नदियां हैं। दो वाक्य हमको यहाँ मिले, पहला है उस नदी में बहुत जल है और दूसरा वाक्य है भारत में बहुत सी नदियाँ हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहले वाक्य में शब्द आया है नदी और दूसरे वाक्य में शब्द आया है नदियाँ, नदी और नदियाँ। जहाँ नदी लिखा जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक वचन और जहाँ नदियाँ लिखा होगा उसको हम कहेंगे बहुवचन। नदी का मतलब होता है केवल एक नदी और नदियाँ, एक से अधिक नदी जब होती है, एक से अधिक नदी के विषय में हमको बात करनी होती है तो हम उसको नदियाँ कहते हैं। ठीक, तो जहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है उसको एक वचन कहेंगे, जहाँ एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है उसको बहुवचन कहेंगे। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं एक वचन की। एक वचन क्या होता है, हिंदी में एक वचन कहा किसको जाता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के एक होने का बोध होता है उसको कहते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसको कहते हैं एक वचन। जैसे देखिए, जैसे राम जाता है। राम जाता है, यहाँ राम जो है, राम से हमको यह बोध हो रहा है कि कोई एक राम जा रहा है। ठीक, कोई एक राम जा रहा है, राम के एक होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है
एक वचन है। क्या है? एक वचन है। जैसे इसमें हो राम और श्याम, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। अब देखिए यहाँ था जाता है, यहाँ है जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर राम शब्द से एक वचन का बोध हो रहा है, राम के अकेले होने का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ राम और श्याम, राम के साथ कोई और है, राम के साथ कोई और है, कोई और मतलब यहाँ पे श्याम है, राम के साथ श्याम है, इसलिए यहाँ राम अकेले ना हो करके श्याम के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन हो गया है। ठीक, तो एक वचन की डिफिनीशन है शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं, और बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे हो गया चूहे और महिलाएं। अगर हम चूहे कह रहे हैं तो इससे यह बोध हो रहा है कि कोई एक चूहा नहीं है, बहुत सारे चूहे हैं, तो इसका एक वचन हमको कहना हो तो हम कहेंगे चूहा। ठीक, उसी तरह महिलाएं, महिलाएं कहने से यह हमको ज्ञात हो रहा है कि एक से अधिक महिलाएं हैं, महिला एक नहीं है, एक से अधिक है। ठीक है, तो एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है इसलिए यह बहुवचन है, और इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन हो जाएगा महिला। यह था हमारा वचन, वचन के दो भाग थे, एक वचन और बहुवचन। ठीक मित्रों, हिंदी भाषा जो है यह संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, हम आप यह जानते हैं। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। हिंदी में प्रायः चीज़ें संस्कृत भाषा से ली गई हैं। संस्कृत में भी वचन होता है, हिंदी में दो वचन बताए गए हैं, और संस्कृत भाषा में लेकिन तीन वचन होते हैं। तीन वचन क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में क्या है? एक से अधिक है तो उसको कहेंगे बहुवचन, एक से अधिक है कोई वस्तु तो उसको कहेंगे बहुवचन, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर एक है तो उसको कहेंगे एक वचन, एक से अधिक दो है तो उसको कहेंगे द्विवचन, और दो से अधिक अगर है तब वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक है, यह थोड़ी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी थी। चलिए आइए फिर हम आते अपने चैप्टर पे आते हैं। अब हमको पता चला वचन के भेद, एक वचन बहुवचन। अब हम इसमें देखेंगे कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए एक वचन के स्थान पर जहाँ पर हमको किसी को सम्मान देना होता है, जहाँ पर हमको किसी को सम्मान देना होता है वहाँ पर एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे है गांधी जी हमारे देश के राष्ट्र पिता हैं, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्र पिता हैं। यहाँ जो है गांधी जी में, गांधी यहाँ एक वचन है, लेकिन चूंकि गांधी जी को हम यहाँ सम्मान दे रहे हैं इसलिए गांधी जी के साथ है न लग करके हैं लगा है। ठीक, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक वचन जहाँ सम्मान देना होता है वहाँ एक वचन की जगह
बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, कहीं कहीं बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कहाँ पे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे आज, कल, चांदी, महंगी चल रही है, चल रही है। अब देखिए आजकल चांदी महंगी चल रही है, धातुएं जो जात सूचक धातुएं हैं उनका प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग एकवचन किया गया है। जो जातिवाचक संज्ञाएं, जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं और द्रव्यों का बोध कराती हैं, जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं और द्रव्यों का बोध कराती हैं उनको एक वचन में लिखा जाता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, पानी, वर्षा। आकाश, पानी, वर्षा, सत्य, सहायता। आकाश, पानी, वर्षा, सत्य, सहायता, और हो गया घी। कुछ ऐसे शब्द इसी तरह के और हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसी तरह कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, उनका एक वचन शब्द नहीं होता है। जैसे प्राण, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू। प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बहुवचन में कैसे इनका प्रयोग होता है। प्राण है, कल रोगी के प्राण निकल गए, कल रोगी के प्राण निकल गए। अब देखिए यहाँ रोगी, रोगी एक वचन है, रोगी एक वचन है, लेकिन चूंकि प्राण रोगी का है, प्राण भी एक वचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राण जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह हमेशा बहुवचन में ही रहता है। ठीक है, तो यह था हमारा चैप्टर वचन। तो वचन में हमने पढ़ा वचन कहते किसको हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, और एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत नहीं था, इसको आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको आप और अच्छे ढंग से जान सकें। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप चैनल से हमारे जुड़े हैं, आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिए, जिससे उनको भी शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जा सके, उनके भी ज्ञान में वृद्धि की जा सके। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।